आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आपके कैंपेन सॉन्ग पर रोक का दावा, चुनाव आयोग ने किया खंडन। नहीं खत्म हो रहा असंतोष, दिल्ली में कन्हैया कुमार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आरएसएस हमेशा आरक्षण के समर्थन में, कुछ लोग झूठ फैला रहे, मोहन भागवत का बड़ा बयान। लवली के घर के बाहर जोरदार हंगामा, कार्यकर्ताओं ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान के साथ की धक्का मुक्की। देश भर में लू का कहर, बंगाल में रेड और बिहार समेत इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस, इसराइल ने रफा पर हमले से पहले हमास को दिया समझौते का आखिरी मौका। ईरान की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बगदाद में गोली मारकर हत्या, कैमरे में कैद हुई घटना। भारत का दौरा टाल, गुपचुप तरीके से चीन पहुंच गए एलन मस्क। सोडी के लापता होने से गम में डूबी तारक मेहता की टीम, गुरुचरण सिंह का कुछ पता नहीं। और रोहित और अगरकर के बीच T20 वर्ल्ड कप को लेकर मीटिंग। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाने के दावों को खारिज कर दिया है। निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्र ने बताया कि हर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी काम करती है जो राजनीतिक पार्टियों या उनके प्रत्याशियों के प्रचार सामग्री पर नजर रखता है और उसी आधार पर सॉन्ग यानी चुनाव प्रचार गीत को मंजूरी देता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक हर राज्य में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी होती है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता कन्हैया कुमार के खिलाफ फिर खड़े हो गए हैं। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से किसी लोकल को ही कैंडिडेट बनाना चाहिए, ना किसी बाहरी को मौका देना चाहिए। ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के पीछे की वजह आपके साथ गठबंधन के अलावा कन्हैया कुमार भी एक फैक्टर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार 28 अप्रैल को कहा कि संघ परिवार ने कभी भी कुछ समूहों को दिए गए आरक्षण का विरोध नहीं किया। हैदराबाद में एक शैक्षणिक संस्था में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि संघ की राय है कि जब तक जरूरत हो आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है, लेकिन कुछ लोग झूठे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। मोहन भागवत का यह बयान आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे वाक युद्ध के बीच आया है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए दो चरण के मतदान हो चुके हैं। शुक्रवार को दूसरे चरण की 88 सीटों पर करीब 60% मतदान हुआ है। वहीं पहले चरण की बात की जाए तो इसमें 102 सीटों पर मतदान हुआ था। अब 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटों के लिए तीसरे चरण का चुनाव होना है। इन 95 लोकसभा सीटों में कुल 2,963 नामांकन दाखिल किए गए हैं। चुनाव अधिकारियों ने इनमें से 1,563 आवेदनों को वैध माना है। नामांकन वापस लेने की तारीख निकलने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1,351 है। देश भर में बढ़ती गर्मी और लू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उसके पार तक जा रहा है। लू को लेकर भारतीय मौसम विभाग IMD ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बिहार और झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कई दिनों तक गर्म हवाओं का प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गर्म और उमस भरे मौसम के कारण बंगाल और ओडिशा में दिन के अधिकतम तापमान में और वृद्धि की संभावना है। वहीं लू के चलते लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन राय ने कहा कि ओडिशा में भी लू से बिगड़ते हालातों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं, इसलिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
इसराइल ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पास बंधक समझौता करने का आखिरी मौका है। अगर हमास समझौते पर सहमत नहीं होता है तो फिर उसकी सेना रफा शहर पर हमला कर देगी। हमास फिलहाल युद्ध विराम के नए इजरायली प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। रफा इस समय विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए अंतिम शरण स्थली बना हुआ है। सीज फायर के लिए इसराइल और मिस्र के अधिकारियों के बीच लंबे समय से चल रही वार्ता शुक्रवार को समाप्त हुई है। इराकी टिकटॉक स्टार ओम फहद की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ओम फहद का घर पूर्वी बगदाद के जोयोन जिले में है और ये घटना देर रात को हुई। इस बात की जानकारी अल जजीरा ने शनिवार 27 अप्रैल को दी। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इन लोगों ने काले कपड़े और हेलमेट पहन रखा था। हमलावर बाइक से उतरे, काले रंग की एसयूवी में बैठी ओम फहद की ओर बढ़ा और उन्हें गोलियों से भून दिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आंतरिक मंत्रालय ने हत्या की परिस्थितियों की जाँच के लिए एक टीम गठित की है। टेस्ला सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क रविवार 28 अप्रैल को चीन के दौरे पर रवाना हुए हैं। यहां हैरानी करने वाली बात यह है कि एलन मस्क का चीन दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने भारत दौरे को टाल दिया था। उन्होंने कहा कि टेस्ला के काम की वजह से वह भारत नहीं आ पाएंगे। एलन मस्क के दौरे के पोस्टपोन होने की जानकारी 20 अप्रैल को सामने आई थी। भारत दौरे पर एलन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले थे। इस मुलाकात में भारतीय बाजार में टेस्ला की एंट्री पर चर्चा होनी थी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत दौरा टलने पर एलन मस्क ने कहा कि दुर्भाग्य से बहुत बड़े टेस्ला दायित्वों की वजह से भारत यात्रा को टालना पड़ा है, लेकिन मैं इस साल के आखिर में वहां आने के लिए उत्साहित हूं। एक्टर गुरुचरण सिंह पिछले 4 दिनों से लापता है। जहां उनका परिवार परेशान है, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के उनके को स्टार्स भी सदमे में हैं। शो में उनकी पत्नी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने कहा कि मैं उनसे पिछले साल जून में मिली थी और तब से हमने बात नहीं की है। वह एक खुश मिजाज इंसान है और इस खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। उनके पिता दिल्ली में रहते हैं, वो दिल्ली और मुंबई के बीच आते जाते रहते थे। एक्टर शैलेश ने कहा, गुरुचरण ने 2020 में तारक मेहता छोड़ दिया, हम तब से संपर्क में नहीं हैं, लेकिन मुझे याद है कि सेट पर वह बहुत मजेदार और ऊर्जा से भरे रहते थे। राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा के बीच वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए संभावित 15 सदस्यीय टीम को लेकर अनौपचारिक बैठक होने की उम्मीद है। विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की आखिरी तारीख 1 मई है। ऐसा समझा जा रहा है कि अगरकर शनिवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेली गई IPL मैच के लिए विशेष रूप से दिल्ली आए थे, क्योंकि उन्हें कप्तान रोहित के साथ बातचीत करने का मौका मिल सके। रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और अजीत अगरकर के बीच कुछ नामों पर सहमति नहीं बन रही है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के भविष्य को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कई अफवाहें चल रही है कि इन दोनों को वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट से संन्यास लेना चाहिए।